अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को नेट के कपड़े में कली वाला फ्रॉक बताने वाली हूँ, जिसकी लंबाई 45 इंचेस है और घेरा ये कपड़े के हिसाब से डालेंगे। कली वाले फ्रॉक के लिए हमने 3.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, ये नेट का कपड़ा है। इसके अंदर अस्तर हम ए लाइन में कट करेंगे। अस्तर हमने 2 मीटर लिया हुआ है। देखिए ये 2 मीटर कपड़ा है, इसमें पहले हम अस्तर कट कर लेंगे, उसके बाद नेट में हम कलियां कट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका साइज किस तरह लेना है। नोटबुक में देखिए इसका साइज है 45 इंच लंबाई, इसकी शोल्डर है इस फ्रॉक का 12 इंचेस, इसका आर्मोल बगल है 6.5 इंच 6.5, चेस्ट है इसका 17 इंचेस, कमर की लंबाई है 13, कमर की चौड़ाई है 15। इस तरह हमने डायग्राम बना लिया है। 4 फोल्ड कपड़ा लेते हुए हम 45 लेंगे। अस्तर है इसमें, हम मार्जिंग नहीं मिलाएंगे। शोल्डर को हमने हाफ करके 6 लिख दिया है, आर्मोल 6.5 है, पूरा 6.5 लेंगे। चेस्ट हमारा 17 है, इसका हम हाफ करके 8.5 लेंगे। कमर की लंबाई यानी वेस्ट लेंथ 13 है, तो टोटल ले लेंगे हम 13। कमर की चौड़ाई है 15, इसका हाफ करके हम 7.5 लेंगे। मार्जिंग 1 1.5 मिलाएंगे। और नीचे की तरफ जो हमारा बॉटम है वो घेर का 18 या 20, यानी कि ओपन करने के बाद 36 या फिर 40 इंचेस आना चाहिए। और इसे राउंड करते हुए 3 इंच यहाँ से कम करते हुए कट करेंगे। आइए देखते हैं कपड़े को, हम पहले 4 फोल्ड में बिछा लेंगे इसे। इस कपड़े को 4 फोल्ड बिछा लिया है। इस तरह हमने 20 इंचेस में इस कपड़े को इस तरह बिछाया हुआ है। ऊपर की तरफ हम शोल्डर ले लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे, ऊपर शोल्डर किनारे के पास से शोल्डर रखते हुए नीचे का जो किनारा है वहां पर 42.5 इंचेस आ रहा है। ये हमारा अस्तर हो गया, लंबाई हो गई अस्तर की। अब हम नेक्स्ट लेंगे शोल्डर, शोल्डर है 6 इंचेस, तो इस तरह हम 6 इंचेस पर निशान लगा लेंगे। ये 6 इंचेस हो गया। अब इसी के पास से इसका जो आर्मोल है 6.5 इंचेस, तो इस तरह लंबी लकीर लेते हुए हम 6.5 इंचेस इस तरह आर्मोल बना लेंगे। अब ये जहां पर आर्मोल रुका हुआ है वहां पर 17 इंचेस चेस्ट का है, तो उसे हाफ करते हुए 8.5 इंचेस, इस तरह हम 8.5 इंचेस पर निशान लगाएंगे। और फिर हम मार्जिंग भी लेंगे इसमें 1.5 इंचेस, या फिर आप 2 इंचेस भी ले सकते हैं। मैं 2 इंचेस ले रही हूँ मार्जिंग। अब इसमें हम कमर की लंबाई फिर से ऊपर की तरफ टेप रखते हुए 13 इंचेस पर कमर ले लेंगे। कमर की लंबाई हो गई और इसी के ऊपर हम चौड़ाई लेंगे। कमर की चौड़ाई है 15 इंच, 15 को आधा करते हुए 7.5 इंचेस, 15 का हाफ 17.5 आएगा। ये हो गया 17.5 इंचेस यहाँ से। अब इसमें भी हम 2 इंचेस मार्जिंग लगाएंगे, ये हो गया 2.5 इंचेस। तो इस तरह हम इन दोनों को मिला लेंगे हम। अब हम इसमें दामन ले लेंगे, यानी कि बॉटम। बॉटम हम 18 इंचेस से 20 इंचेस तक ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह फोल्ड कपड़े के पास से, फोल्ड कपड़े के पास से हम 20 नंबर तक टिक करेंगे। नीचे से 3 इंचेस का इस तरह लेंगे। ये 3 इंचेस हमें कट करना है राउंड में। मार्जिंग से हम ये कमर की चौड़ाई से हम इसे इस तरह मिला लेंगे। आप स्केल भी यूज कर सकते हैं, मैं टेप से ही मिला रही हूँ। देखिए इस तरह हमारा ये मार्क मिल चुका है, ये कमर की चौड़ाई से नीचे का बॉटम मिल चुका है। अब पूरा टोटल 20 है, 20 में से हाफ 10 इंच तक हम सीधा रखेंगे। उसके बाद इसे 3 इंच पर क्रॉस करते हुए मिला देंगे। तो ये हमारा एयरलाइन फ्रॉक का डायग्राम हो चुका है। अब हम आर्मोल बनाएंगे। इस तरह 1 इंच का टेप क्रॉस में रखते हुए हम निशान से इसे राउंड कर देंगे। तो ये पूरा हमारा एयरलाइन फ्रॉक हो चुका है अस्तर का। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर चेस्ट के पास कट का निशान और कमर की चौड़ाई के पास कट का निशान लगाएंगे। अब हम इसमें ये अस्तर हो चुका है, अब नेट के ऊपर कलियों का डायग्राम बनाएंगे। देखिए हमने नेट के कपड़े में पहले आस्तीन का कपड़ा निकाल लेना है। तो 3.5 मीटर कपड़े में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कपड़ा इस तरह मोड़ते हुए यहाँ से 7 या 8 इंच फोल्ड करते हुए इस कपड़े को हम यहाँ से कट कर लेंगे, ताकि हमारे आस्तीन में ये जो नीचे का डिज़ाइन है ये बराबर में आए दोनों। देखिए हमने आस्तीन के लिए इतना कपड़ा कट करके निकाल लिया है।
हम इसमें बाद में आस्तीन कट करेंगे, पहले हम कलियों का डायग्राम डालेंगे। देखिए कली कट करने से पहले साइज देख लीजिए। देखिए हमें 12 कलियां कट करना है, 6 सामने आएंगी कली और 6 पीछे आएंगी। तो कली का जो साइज है वो हम ऊपर की तरफ ओपन कली बता रही हूँ मैं, 3 इंच आएगा और नीचे की तरफ 8 इंच। आप चाहे तो 12 इंच भी ले सकते हैं जिससे घेर बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन कपड़ा आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, 5 से 6 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास ये कपड़ा सिर्फ 3.5 मीटर है, इसलिए हम कली की चौड़ाई को कम रख रहे हैं। तो ऊपर का कली की जो चौड़ाई है वो 3 इंच रहेंगी, लेकिन दोनों साइड से सीकर आधा आधा इंच कम होकर 2 इंच आ जाएंगी, और नीचे 8 इंच है तो दोनों तरफ से आधा आधा इंच सीकर रेडी कली 7 इंच की आएंगी। आप चाहे तो बड़ी कली भी ले सकते हैं। तो ये लेंथ हमारी 45 में 2 प्लस करते हुए 47 होंगी, क्योंकि सीने के बाद ये कली कम होती है। तो आइए देखते हैं, हमने टू फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया हुआ है, इस तरह टू फोल्ड किया हुआ है मैंने। अब हम बिल्कुल देखिए, ऊपर से हम टेप रखते हुए नीचे की तरफ हमारी लंबाई 47 है, ये हमारी नेट की पूरी लंबाई हो गई 47 इंचेस। अब हम नीचे की तरफ पहले 8 इंच लेंगे, ये 8 इंच पर हम इस तरह निशान ले लेंगे, ये 8 इंच हमारे हो चुके हैं। और बीच में 4 इंच पर भी एक निशान लगाएंगे। देखिए बीच में 4 इंच पर एक निशान ले लिया हमने। अब इसी 4 इंच को रखते हुए सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे हम। देखिए ऊपर की तरफ हमने बिल्कुल 4 इंच के पास से सीधा टेप रख लिया है, इस तरह हम निशान लगाएंगे ऊपर भी। देखिए यहाँ से भी बराबर 4 इंच आना चाहिए। अब हम इधर निशान के इस तरफ 1.5 इंच और इस तरफ 1.5 इंच, यानी ऊपर से हम 3 इंच लेंगे। ये मार्क चौक नेट में नहीं दिखता है। फिर से एक बार देखिए, इधर से 4 इंच है तो हम जो 4 इंच का निशान लगाए थे उधर से 1.5 इंच इस तरफ लेंगे और 1.5 इंच इस तरफ लेंगे। और बीच के सेंटर में हम फिर से टेप रखते हुए, कमर की लंबाई हमारी 13 इंचेस थी, लेकिन इसके अंदर हम कमर की लंबाई 17 इंचेस रखेंगे, क्योंकि शेप अच्छा आने के लिए हम कमर की लंबाई में 4 इंच प्लस करते हैं। अब यहाँ पर भी हम 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर, यानी 3 इंच का शेप देते हुए ऊपर से हम मिला लेंगे लकीरों को। इस तरह ऊपर से निशान मिला लेंगे हम दोनों साइड का। नेट के अंदर मार्क डालना हुआ नहीं दिखता है। देखिए जो नीचे से 8 इंच लिए हुए थे उससे हम ये कमर का जो 17 इंच था वहां से नीचे की ओर मिलाएंगे क्रॉस करते हुए इस तरह। अब दूसरी साइड से भी हम ले लेंगे टेप को क्रॉस रखते हुए, दूसरी साइड से भी हम इस तरह मिला लेंगे। देखिए बीच में भी यहाँ हमारा 3 इंच है और ऊपर तरफ भी हमारा 3 इंच है, ऊपर साइड भी 3 इंच और कमर की चौड़ाई के पास भी 3 इंच। अभी हम इस कली को कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह हम कलियों को कट कर लेंगे, हमें 12 कली चाहिए। यही कली को बिछाते हुए हम दूसरी कली भी कट करेंगे। देखिए फिर से हमने जो कट की हुई कली थी उसे बिछाते हुए हमने दूसरी नीचे की भी कली कट कर ली है। इसी तरह हम पूरे टोटल 12 कली यानी कि 12 कलियां कट कर लेंगे। कपड़े के ऊपर कपड़ा बिछाते हुए जो कली कट की हुई है उसे इस पर रखते हुए 12 कली पूरी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह हमारी पूरी 12 कली कट हो चुकी है। अब हम इन सब कलियों को ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए ये इस तरह 6 कली सामने और 6 कली पीछे आएंगी, तो ये हर कली में 2 कली है। ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह करते हुए हमारी ये पूरी 6 कलियां हम ज्वाइंट कर लेंगे, यानी दो हिस्से बना लेंगे इनको और एयरलाइन फ्रॉक को रखते हुए इस पर कटिंग लेंगे। तो पहले हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे सिलाई से। कलियों को इस तरह ज्वाइंट कर लिया है, ये नीचे का घेरा है, पूरे 6 कलियां हमने ज्वाइंट कर लिया है ऊपर से नीचे तक। अब हम इस पर जो अस्तर कट किए हुए थे उसे रखकर कटिंग करेंगे। इसे पहले इसे हम फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके अच्छे से इसे बिछा लेंगे। देखिए इसे हमने 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम इस पर अस्तर बिछा लेंगे, जो अस्तर हमने पहले ए लाइन में कट कर लिया हुआ था। देखिए इस तरह हमने इस पर इसे बिछा लिया है अस्तर को इस तरह। अब जो टुकड़ा यहाँ पर जो कम पड़ रहा है कपड़ा, उसे हम छोटी कली लगाएंगे, जो हमने कली कट करने के बाद जो पीसेस बचे हुए थे उस पर हम इसे 1/2 इंच रख देंगे इस तरह।
रखते हुए हम इसकी कली भी कट कर लेंगे। देखिए हमने इस जाली को नीचे बिछा लिया है, अब हम इसी के अस्तर की बराबर में इस नेट को कट कर लेंगे। शोल्डर के पास से, आर्मोल के पास से हम इस तरह इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह की कली निकल कर आती है इसमें। देखिए ऐसी चार कलियाँ, तीन कली और कट कर लेंगे हम, क्योंकि ये नीचे के इसमें ये कली यहाँ पर जॉइंट हो जाएंगी। तो इस तरह हम ये फ्रॉक की कटिंग कर चुके हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसे सिलाई करने से पहले हमें इसे नेट को जॉइंट कर लेना है। पहले तो हमें ये चार कलियों को इधर पर आर्मोल के साइड में लगाना है, जो कम है कपड़ा। इसके बाद हमें कमर तक जॉइंट कर लेना है, फिर इस पर नेक बनाकर हमें फ्रॉक कटिंग हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग बताएंगे। देखिए आस्तीन की जो लंबाई है वो है 21 इंचेस, उसमें 1.5 मिला के 22.5 इंचेस, और आस्तीन की चौड़ाई है 5, उसमें 1 प्लस करते हुए 6 इंचेस। तो ये फुल आस्तीन है, लेकिन 7 इंचेस का हम हाफ आस्तीन ले लेंगे पहले। तो देखते हैं जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम पहले 4 फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये 2 फोल्ड है कपड़ा, तो इसे हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए इसके फोल्ड साइड से हम 7 या 8 इंचेस के, आपको जितने लंबे होना है आप उस हिसाब से लंबाई ले सकते हैं। पहले हम लंबाई ले लेंगे। देखिए हमने लंबाई 8 इंचेस ले ली है, आप चाहे तो 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। ये हमारी लंबाई का निशान हो चुका है। अब हम नीचे की तरफ चौड़ाई लेंगे। देखिए चौड़ाई हमने 5.5 रेडी रखना है, तो 1.5 इंच मार्जिन मिलाते हुए हम 7 इंच लेंगे। इस तरह ये हमारी नीचे की तरफ की चौड़ाई हो गई। देखिए हमारी चौड़ाई का निशान हो चुका है। अब हम फिर लंबाई पर से 3 इंच का या फिर 3.5 इंच का शेप ले सकते हैं। ये देखिए 3 इंच का शेप है ये। इस तरह इस लकीर को हमें सीधी खींचना है। इस तरह ये हमारी सीधी लकीर हो चुकी है। अब हम इस कट बगल को, यानी कि जो हमने कुर्ती कट करके रखा हुआ है, इसके बगल को मापते हुए इस तरह राउंड मापते हुए ले लेंगे कि ये कितने इंचेस है। देखिए ये 10 इंचेस है, तो हम यहाँ पर इस तरह 1 से ये जो 3 इंचेस का हमने निशान लिया हुआ है इसके ऊपर 10 इंचेस का इस तरह ले लेंगे, निशान बना लेंगे हम। देखिए इस तरह फोल्ड्स कपड़े के पास से रखते हुए हम 10 इंचेस तक इस तरह क्रॉस में निशान लगा लेंगे। ये हमारा कट बगल हो चुका है। अब हम इसे नीचे के माये से मिला लेंगे। इस तरह इसे शेप देते हुए हम कट कर लेंगे। देखिए अब हम इसे कट करेंगे। इसी हाफ आस्तीन को हम नेट के ऊपर रखते हुए फुल आस्तीन की कटिंग करेंगे। देखिए हमने इस तरह पहले जो कट किया हुआ था फर्स्ट, वो कपड़ा हमने इस तरह बिछा लिया है 4 फोल्ड करते हुए। अब हम यहाँ पर लेंथ लेंगे 21.5 इंचेस, इस तरह नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ। और ये जो हाफ आस्तीन हमने कट किया था इसे इस तरह यहाँ पर लगा देंगे, और लगाने के बाद इसी तरह सेम कट कर लेंगे हम। देखिए इस तरह हमारे आस्तीन कट हो चुके हैं। अब नीचे की तरफ से हम यहाँ 6 इंच लेंगे। 6 इंच लेते हुए हम इसे यहाँ से ऊपर की तरफ मिला लेंगे। इस तरह मिलाते हुए हम नीचे से भी कट कर लेंगे इसे। देखिए इस तरह हमारे ये फुल आस्तीन कट हो चुके हैं। अब हम कलियों को, ये जो हमने जॉइंट करके रखा हुआ था, इसे यहाँ पर बगल आर्मोल के पास की कलियाँ लगाकर इसकी सिलाई देखेंगे। आइए देखते हैं इसकी सिलाई। देखिए सबसे पहले ये जो कली हमने कट करके रखा हुआ था, इस कली को हम यहाँ आर्मोल के पास से, ये शोल्डर है और ये आर्मोल है, आर्मोल के पास से हम इसे लगा लेंगे। देखिए इस तरह रखते हुए हम चारों कलियों को जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने चारों कलियों को लगा लिया है। इस तरफ ये हिस्से में 2 कली और पीछे हिस्से में 2 कली। अब हम इसके नीचे अस्तर ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह अस्तर को नीचे रखते हुए हम पहले आर्मोल से स्टार्ट करेंगे सिलाई लेना। इस तरह हम पहले आर्मोल से शुरुआत करेंगे, यानी कि बगल के पास से सिलाई करेंगे। बगल से सिलाई लेते हुए हम शोल्डर की तरफ आएंगे। इस तरह
शोल्डर के पास से सिलाई करते हुए हम बगल के पास ले लेंगे। देखिए आर्मोल के पास से हम कमर के चटके तक भी इसकी सिलाई कर लेंगे। कमर के चटके के आगे इसकी सिलाई नहीं करना है क्योंकि हमें अलग अलग सीना है, तो हम यहाँ पर ये कमर के कट तक रुका देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है इस तरह इसे हम कट कर लेंगे अस्तर के बराबर। इस तरह हमने इस बगल से शोल्डर, बगल और कमर तक सिलाई कर ली है। अब हम इसी तरह दूसरे हिस्से को भी तैयार कर लेंगे। इस साइड भी हम पलटी करते हुए इसकी कमर के पास तक इसकी सिलाई कर लेंगे चेस्ट के पास से। हमें नेट को साफ करके पकड़ना चाहिए इस तरह। देखिए इस तरह हमने यहाँ से ओपन रखा हुआ है क्योंकि हमारा अस्तर कम होता है और नेट का कपड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए सिर्फ हमें कमर तक सिलाई करनी है, कमर से नीचे सिलाई नहीं करनी है हमें। अब हम इसे फोल्ड करते हुए इसके गले कट कर लेंगे, यानी नेक की लंबाई, नेक की चौड़ाई इस पर बॉक्स डालते हुए कट करेंगे। देखिए गले की चौड़ाई है 2.5 इंच, 2.5 इंचेस, और गले की जो लंबाई है वो है 5.5 इंचेस। ये बैक साइड का गला है, फ्रंट साइड का गला हमारा 6.5 इंचेस रहेगा। सेम इसी तरह हम चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और 6.5 लेकर सामने का भी गला कट कर लेंगे। ये बैक साइड का नेक है, इसे भी हम इस तरह कट कर लेंगे और इसकी पट्टी सीते कट करते हुए हम इसे सी लेंगे। देखिए ये बचे हुए कपड़े को लेते हुए हम फोल्ड साइड कपड़ा रखते हुए इस नेक को हम इस पर रख लेंगे। रखते हुए सेम इसी तरह हम राउंड कट कर लेंगे और इसे हटाते हुए हम इसमें 1.5 इंच की चौड़ाई में रखते हुए पट्टी कट करेंगे और इसी में हम पेपर कैनवास को भी इस तरह लेते हुए इस पट्टी पर रखते हुए इसे भी हम कट कर लेंगे। पेपर स्टिक भी कहते हैं इसे। इसे हम थोड़ा कम कट करेंगे, यानी 1 इंच कट करेंगे, सिर्फ 1 इंच हमें लेना है। इस तरह हम इसमें रखते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह इसमें रखते हुए हम इसे बाहर बाजू से सिलाई कर लेंगे इस तरह। आइए देखते हैं इसकी सिलाई। देखिए इस तरह हम इसे बाहर बाजू से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई कर लेंगे इस तरह। देखिए इस तरह हम ये पट्टी को सिलाई कर चुके हैं। अब हम इसे सीधे कपड़े पे रखते हुए इस तरह सिलाई करेंगे इसके किनारे से, बिल्कुल किनारे से हम नेट को, और इस तरह हम इसे किनारे से सिलाई कर लेंगे इस पट्टी को पूरी। देखिए अब हम इसमें कट लगा लेंगे, जहाँ हमारा राउंड है वहाँ हमें कट लगाना है। इस तरह हम कट लगा लेंगे और इसे पलटी करके सिलाई कर लेंगे इसके ऊपर भी इस तरह। ऊपर की सिलाई ले लेंगे हम इस तरह, बिल्कुल इसी तरह हम दूसरा नेक भी रेडी कर लेंगे।